उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते, पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू और भी बहुत है। सुनने को आया है महिला को, जैसे हमारा साथ तो ये हुआ नहीं है, आसपास वाले बताते थे कि उनके साथ भी जबरदस्ती उनको उठा के लेके गया, रात भर रखा, सुबह छोड़ दिया जाता था। जैसे यहाँ लड़कियों को बयानबाजी आ रहा था, यहाँ से जो महिलाएं हैं सुंदर दिखने में हैं, हाँ, उन लोगों के साथ क्या क्या हो? उनके साथ वो लोग, आप देखो कैमरे के सामने कोई आना नहीं चाहता है, डरे हुए हैं, प्रशासन इनको कोई हेल्प नहीं करते। आप सब चाहते हैं कि हम पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इस सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। अब किस तरीके से उन लोगों को, जैसे उसका हस्बैंड है उसके सामने उसको लेके जाता था? हाँ, वो लेके जाता था। अब देखो कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। तो बोलने का हिम्मत नहीं करता था कोई? नहीं, बोलने की हिम्मत कैसे करेगा? उनको पति, उनकी पतियों को मारने की धमकी देता था, मर्डर करने की धमकी देता था, बच्चों को उठाने की धमकी देता था। कौन इतना लाइफ रिस्क लेके कौन ये बात करेंगे? किसी का कमर तोड़ दिया है, किसी का हाथ पैर तोड़ दिया। हाँ, लेडीजों को भी मार पिटाई होती थी वहाँ पे अंदर, और उसका हस्बैंड को भी। हाँ, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, ऐसे हालत का। 3-4 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा है, ऐसे बहुत लोग है। 144 रहे, हम नहीं चाहते है। अच्छा, तो फिर ये लोग क्यों किया? ये लोग, हमारा आंदोलन जो है चल रहा है, जमीन नारी के ऊपर अत्याचार लेके जो आंदोलन हम लोग रास्ते पे उतर गए, वो आंदोलन बंद करने के लिए ये 144 लगा रहे हैं, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं। सर, जो रोजगार है जो उन्होंने नहीं दिया है वो आपको दिया जाएगा? नहीं, वो देने से क्या होता है, हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? कौन कौन करता था, नाम क्या है? ये शाहजहान, उसके वाहिनी में है शिबू, उत्तम, संजू, रोंजू और भी बहुत है। हम जो न्यूज में ये बात कर रहे हैं, हमें भी डर रह रहा है कि रात को हम घर पे रह पाएंगे कि नहीं, ये डर भी सताते हैं। कितने दिन हो गया है अभी, उसके बाद पुलिस के ऊपर आप लोगों का भरोसा आया? नहीं, हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जो परुल सुल्तना बोल के जो आया है आप लोगों से बात करने के लिए, सब कुछ रिपोर्ट लिया, कुछ हुआ है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। तो अभी आप लोग किस सिचुएशन में हैं? अभी हम क्या चाहते हैं, हम तो डरे हुए हैं, प्रशासन के ऊपर भी हमें भरोसा नहीं है। हम जो आंदोलन कर रहे हैं वो करते रहे, आगे भी करेंगे जब तक ये शाहजहान पकड़ा ना जाए। तो आप लोग को लगता है शाहजहान ये पुलिस वाला पकड़ेगा कि आधा सामरिक वाहिनी पकड़ेगा? ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहान को, शिबू को कभी नहीं पकड़ेंगे राज्य पुलिस।